नमस्कार, आप सबका स्वागत है। IS बिंद्रा स्टेडियम पर भारतीय टीम लंका दहन करने में लगी थी, तभी एक मैन मैदान के अंदर आ पहुंचा। उस फैन के हाथ में बाउंड्री बोर्ड था और सीधा वो पिच पर पहुंचा और धोनी के पैर छू लिए। धोनी ने भी अपने फैन से मुलाकात की और हाथ मिलाकर उसे जाने के लिए कहा। इतनी देर में मैदान में तैनात पुलिस कर्मचारी ने वहां पर पहुंचकर फैन को मैदान से बाहर किया और मुकाबला शुरू हो सका। इससे पहले भारत की इनिंग के दौरान रोहित दनादन शॉट्स लगा रहे थे और फैंस भी हर शॉट के बाद जश्न मना रहे थे। रोहित की हर शॉट के बाद फैंस उनका हौसला बढ़ाते। टीम इंडिया के कप्तान का नाम मैदान के हर तरफ गूंज रहा था और रोहित ने भी इसका मान रखा और दोहरा शतक पूरा किया। शहर में हो रही लगातार बारिश के बाद बुधवार को भी बादलों ने अपना घेरा बना लिया। इसके बावजूद फैंस मैदान पर पहुंचते रहे, लेकिन जैसे ही धूप निकली तो फैंस के चेहरे भी खिल गए। हर कोई टीम को वापसी करते हुए देखना चाहता था और बाद में भारतीय टीम ने ऐसा किया भी। दर्शक भारतीय खिलाड़ियों के हर शॉट पर उत्साह बढ़ते हुए तालियां बजाते रहे। मोहाली में वन डे मैच की शुरुआत फ्लड लाइट्स में हुई। मौसम खराब होने के कारण लाइट पूरी नहीं थी और लाइट्स को ऑन करना पड़ा। इसके बाद धीरे धीरे लाइट ठीक हुई तो फ्लड लाइट्स को बंद करना पड़ा। शाम को भी अपने समय पर ही लाइट्स को ऑन किया गया और ड्यू का ज्यादा फर्क मैच पर नहीं पड़ा।